इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्वादिष्ट सी अलग तरीके से आलू गोभी की सब्जी, तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी। तो सबसे पहले मैंने पानी रख दिया बॉईल होने के लिए, आधा चम्मच डाल दिया नमक का, गैस बंद कर दिए और पानी में हमने ये गोभी काट के रखा है। एकदम से साफ गोभी है, तो आजकल वैसे भी सर्दियों में साफ ही गोभी आ रही है, तो वो हमने इसके अंदर डाल दी सारी गोभी। और इस तरह से 2 मिनट के लिए हमने इसको रहने देना है। 2 मिनट के बाद हमने गोभी को छान लिया और प्लेट में फैला दिया, हल्का सा इसको सूखा कर लेना है। और साथ ही साथ हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू है जो वो धो के काट के रख लिए। इस साइज़ के आलू काटे हमने। तो अभी हमने क्या करना है, पैन में डाल दिया तेल, तेल गर्म हो गया, गोभी को कर लेना फ्राई। तो सारा गोभी मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसे अभी हमने फ्राई कर लेना। तो ये देखिए जो गोभी के ऊपर वाला फूल है तो उसका कलर चेंज होने लग पड़ा, तो हमने इस तरह से कलर करना नहीं है। एक दो पीस का हो गया, तो अभी हम इसे झट से निकाल लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गोल्डन है, जो वो कलर नहीं हमने करना। तो गोभी सारा निकाल लिया, अभी हमने जो आलू रखे हैं वो अभी फ्राई कर लेते हैं। तो सेम आलू के साथ भी वैसा ही करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, फिर बहुत ही ज़्यादा सिकुड़ जाते हैं और सब्ज़ी अच्छी नहीं लगती, इसलिए कच्चापन ही निकालना इनका। तो आलू को भी निकाल लिया, तेल ज़्यादा है तो तेल को हमने निकाल दिया, जितना चाहिए उतना तेल रख लिया। और 1 चम्मच डाल दिया साबुत वाला धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, इन्हें हल्का सा भून लेना पहले हमने। ये देखिए ये भून चुके हैं। अभी हमने 2 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो डाल दी और चॉप किया हुआ 1 मीडियम साइज़ का प्याज डाल दिया। साथ ही साथ ये 1 चम्मच भर के डाल दिया अदरक और लहसुन कुटा हुआ। तो सबको अभी अच्छे से पका लेना मसाले को, और गैस है जो हमने वो मीडियम ही रखी हुई है। तो मसाला हमने अच्छे से पका लिया, ये देखिए अभी हमने 1/2 चम्मच डाल दिया गरम मसाला। साथ ही साथ हमने इसके अंदर अभी डाल दिया 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी। इन सब को हमने पका लेना 1-2 मिनट के लिए। तो सब्जी का टेस्ट तभी बढ़िया आता है जब मसाले अच्छे से भुने हो, तभी तो मसालों को अच्छे से भुनना चाहिए, तभी सब्जी का टेस्ट बढ़िया बनेगा। तो ये देखिए अच्छे से हमने भून लिए मसाले, अभी हमने डाल दी टमाटर की प्यूरी, तो अभी हमने इसे पका लेना अच्छे से। तो इसे तब तक पकाना जब तक ये तेल से अलग ना हो जाए, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तब तक हमें एक और तैयारी कर लेते हैं, इसको पकने देते हैं। तो ये मैंने 1/2 कटोरी ले ली दही की, तो ताज़ा वाला दही है। इसके अंदर हमने 1/2 चम्मच है कश्मीरी लाल मिर्च का मिला दिया। तो अच्छे से दही को फेंट लेना हमने, दही को अच्छे से फेंट के ही सब्जी में डालना चाहिए, वरना उसके दाने दाने से अलग से दिखते हैं तो वो सब्जी में अच्छे नहीं लगेंगे, इसलिए दही को हमने अच्छे से फेंट लिया। तो अभी चलते हैं मसाले की तरफ। ये देखिए तेल अलग हो गया, टमाटर अच्छे से पक चुके हैं अभी, ये देखिए। तो अभी हमने जो दही है अभी इसके अंदर मिला देना है। तो दही को हमने इसके अंदर मिला दिया, अभी इसको भी पका लेना अच्छे से। और जो कटोरी में दही था उसके साथ काफ़ी दही लगा हुआ, तो इस तरह से मैं अभी हाथ से सारा वो भी इसके अंदर ही डाल रही हूँ। इसे अभी हमने अच्छे से पका लेना। तो हमने इसे अच्छे से पका लिया अभी। तो ये देखिए इसके अंदर हम अभी ऐड कर रहे हैं नमक, जो हमने पहले नहीं मिलाया था। तो नमक स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा डाल सकते हो। तो नमक को हमने अच्छे से मिला लिया, और अभी हमने डालना है जो हमने फ्राई करके गोभी और आलू को रखा है वो डाल देते हैं इसके अंदर। तो आप यकीन नहीं मानोगे इतनी ज़्यादा टेस्ट सब्जी बनती है, तो पूरी के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो इस तरीके से अच्छे से अभी सब्जी को मिला ले मसाले के साथ। तो हमने सब्जी को अच्छे से मिला लिया, अभी हमने इसे पका लेना। तो हमें 2-3 मिनट तक इसको इसी तरह से पकाना है,
और उसके बाद हमने इसके अंदर डाल दी हरी मिर्चें। तो हरी मिर्चें बाद में हम इसलिए डाल रहे हैं, अगर पहले डाल देते तो जो मिर्ची हैं थोड़ा गल जाती और अच्छी नहीं दिखती, ना तो उसका कलर दिखता, इसलिए हम बाद में डाल रहे हैं। अभी हमने इसको ढक के 3 से 4 मिनट तक पका लेना, 3 मिनट में अच्छी हो जाती है। तो गैस हमने सिम ही रखी थी। तो ये देखिए अभी सब्जी का कलर कैसे चेंज हो गया और जो नमक है वो अच्छे से हमारे गोभी आलू में चला गया, सारा मसाले भी, ये देखिए, और मिर्चों का कलर भी हरा सा दिख रहा ना, इसीलिए हमने बाद में डाली थी। ऊपर से हमने डाल दिया हरा वाला धनिया और ये देखिए हमारी बढ़िया सी आलू गोभी की सब्जी तैयार है। तो फ्रेंड्स पहले सब्जी को बनाइए, अगर रेसिपी अच्छी लगे तो ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।